पिछले दिनों बरनाला जेल के कैदियों ने जेल के अंदर एक वीडियो बनाकर वायरल किया था, जिसमें कैदियों ने जेल अधिकारियों पर झूठे केस बनाने और मारपीट करने का आरोप भी लगाया था। जो मैं जेल की मैं चरणजीत सिंह पिंड चंदनवाल का रहने वाला, कच्चा नाम मेरा चीना, मैं जेल के जेल सुपरटेंडेंट गुरप्रीत बहुत टॉर्च करता है। कुछ क दिन पहला मैं एप्लीकेशन पाइया बरनाला सैशन जज को, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुईगी हम मैंने धमकियां दिता कि मैं तेरा चलान पाऊँगा, तेरे ना पट मार करूँगा, बहुत ज़्यादा मेरे को पैसे की मांग करता। मेरी यही रिक्वेस्ट है मेरे सारों कि मेरा कोई तो फैसला किया जाए, तो मैंने बहुत करता हूँ। मैं इस वक्त बंद किया वा बंद हफ्ते शिंदा के उत्ते लासा उत्ते लैंडलाइन उत्ती बाथरूम सब कुछ उत्ते कर दी, मैं बंद मैं बीमार हाँ, बहुत ज़्यादा मैंने पट मार की है मेरे न। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬਰਨਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੋਲੇ, ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਤਾ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਚਾਰ ਵਜੇ ਪੰਜ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਲਾਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਵੀ ਆਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। एक कैदी के परिवार ने जेल प्रशासन पर ये आरोप भी लगाया कि उनका बेटा बरनाला जेल में बंद है और उन्हें उनके बेटे से पता चला है कि जेल अधिकारी उससे पैसे मांगते हैं। उन्होंने कहा कि वह गरीब है, उनके पास पैसे देने की क्षमता नहीं है। वायरल वीडियो के बाद जेल प्रशासन हरकत में आया। जिला बरनाला के पुलिस उपाध्यक्ष राजेश कुमार छिब्बर ने कहा कि इन कैदियों पर मुकदमा नंबर 150/52 ए परिजन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बारे में भी तफ्तीश की जाएगी कि जेल परिसर में मोबाइल कैसे गए और इन कैदियों के पास कैसे पहुंचे। जो अंदर जेलर है जी वो मांगता पैसे जी, कि 20,000 रुपया मांग लेंदा, कि 1,00,000 रुपया मांग लेंदा जी, असीं हुण दस कित्थों दईए। गरीब बंदे हैं जी, मैं तो नरेगा च काम करदी हाँ, उही बच्चे खांदे हैगे, कि किसी का गोहा कूड़ा सुट के आनी है। मैं तो कदे जाणी हुंदी बस मैं तो मांग लेंदा पैसे, कहिंदा 100 दे जा मम्मी, जे कि 100 होंगे तो दया नहीं है, सब्जी सुब्जी लैके नहीं उमें मुड़े आनी है जी, होका खा के भी मैंने कुटते मारते मैं तो पैसे मंगते हैं, मैं सा ही दसदा जी उत्थे केड़ा अंदर जेलर है जी वह कुटते है जी, मेरा पुत सुटना चाहिए घर आना चाहिए, मेरी आही मंग है। ओह जी साडा बेटा 2012 तो बंद आ जेल च, 7 साल हो गए, 7 साल हो गए। जो असी जाने पहला लुधियाने से जेल च, लुधियाने चलान इतने पाता आ चीमे वाली जेल च, असी जदों भी जाने मियाँ बीबी जाने गे चाहे ये जावे मैं जावा, उत्थे सानू यही रिपोर्ट मिलती है बच्चे कोलों भी मैनू गुरप्रीत सिंह जिहड़ा अफसर है डिप्टी जेलर है भी बहुत तंग करता, चक्कियां च दे दिंदा, मैनू कुटमार करता, मैं इत्थों पैसे मंगता डैडी। तो साढ़े कोल जी की असी गरीब बंदे 250 दी दिहाड़ी लाने वाले हाँ, असी कित्थों पैसे दे दईए सरकार नूं, कित्थों जी जेलर नूं पैसे दे दईए, कित्थों जी बच्चे नूं पैसे दे दईए। सुरजीत सिंह, गुरचरण सिंह, चरणजीत सिंह चीना ते लैंबर सिंह, चार मुलजम ने अलग वक् वक् केसां च जेल बरनाला बंद ने, ते इन्हां खिलाफ कई परचे पहलां दर्ज ने, हुण कल पता लग्या भी इन्हां ने कोई अंदर जेल सुपरिंटेंडेंट दे खिलाफ बयान दे के वीडियो वायरल कीतियां ने, ते उस संबंध च इत्थे थाना सिटी बरनाला विखे मुकदमा नंबर 150/52 ए प्रोविजन एक्ट के तहत परचा दर्ज किया गया। हाँ इन्वेस्टिगेशन देखते हैं जी की है, सारे तत्थ सामने आएंगे, इसलिए परचा दर्ज किया, देखा जाएगा भी किवें वीडियो मोबाइल अंदर गए किवें वीडियो सारा कुछ देख लिया। ये जेल डिपार्टमेंट का स्टाफ दसूगा जी, उन्होंने तो पूछ नहीं सो के फिर गल सामने आऊंगी। बरनाला से धर्मेंद्र धालीवाल की रिपोर्ट।